सांप्रदायिक सूर का भाव सौंदर्य सूरदास ने भगवत के अत्यंत भावात्मक प्रसंगों का चयन किया, उसमें गहरी अनुभूतियां पैठ की। कृष्ण के शैशव और किशोर जीवन की विविध लीलाओं का सांप्रदायिक दृष्टि से लोक रंजन पर वर्णन किया। लीला वर्णन ही सूर का मुख्य भाषा आकर्षण है। विनय एवं दैन जीवन दैन प्रदर्शन के लिए लिखे गए पद भी अनंत भाव सौंदर्य से मंडित है। और ये सूरदास जी का जो भाव सौंदर्य है, उसके साथ साथ उन्होंने वात्सल्य चित्रण का अद्भुत समावेश करके अपनी रचनाओं में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास ने जीवन की व्यापकता और गहराई का चित्रण किया है, किंतु जीवन के एक सीमित क्षेत्र वात्सल्य को पूर्णता नहीं दे सके। सूर में जीवन के प्रसार की अपेक्षा सीमित क्षेत्र की गहराई है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक प्राप्त करने तक बालक की क्रीड़ा प्रति और प्रत्येक क्रियाकलाप का सूर ने चित्रण किया है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इसी प्रकार मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भई यह अजब है छोटी। इस प्रकार सूरदास जी ने बाल भाव और माता के वात्सल्यपूर्ण भावों का चित्रण करने में सूर अद्वितीय हैं। बालक की विभिन्न चेष्टाओं विनोदों क्रीड़ाओं से माता का हृदय अनंत अभिलाषाओं और उत्कंठाओं से भर उठता है। वात्सल्य भाव के पदों को पढ़कर सुनकर व्यक्ति अपने नीरस और जटिल जीवन की समस्याओं को भूलकर रसमग्न हो जाता है। ऐसे सूरदास जी के वात्सल्य चित्रण है। शोभित कर नवनीत लिए और घुटरुन चलत रेन तो नमंडित मुख दद लेप किए। मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पिए तो भाई यह अजब है छोटी। इस प्रकार सूरदास जी ने बाल चित्रण का और वात्सल्य का उन्होंने अद्भुत चित्रण किया है। वात्सल्य भाव के पदों को पढ़कर सुनकर व्यक्ति अपने नीरस और जटिल जीवन की समस्याओं को भूलकर रसमग्न हो जाता है। ऐसे सूरदास जी के वात्सल्य भाव थे। सूर ने वियोगजन वात्सल्य का भी भाव विभोर करने वाला चित्रण किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तब वियोगजन वात्सल्य के लिए भी अवसर उपस्थित हो जाता है। नंद जब मथुरा में अकेले ही वापस आते हैं तो यशोदा पूछती है, यशोदा कान कान में बूढ़ी फूटिन गई तिहारी चारों कैसे मारक सूझे। वो कहते हैं कि किस प्रकार मेरे बेटे के बिना तुम वापस आ गए, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं फूट गई और तुम्हें मार्ग कैसे दिख गए। इस तरह से उन्होंने वात्सल्य का चित्रण किया है, माँ की ममता का चित्रण किया है सूरदास जी ने। सूरदास जी का जो ममता के अलावा वात्सल्य के अलावा जो चित्रण था वह श्रृंगार चित्रण है। सूर ने अपनी भक्ति में श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का जिसे मार्मिक वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से सूरदास ने राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा है। सूर ने श्रृंगार में स्त्री पुरुष संबंधी रीति भाव का पूर्ण परिपाक किया है। एक दिन राधा और कृष्ण व्रज की गलियों में अचानक मिल गए। राधा के सौंदर्य से अभिभूत कृष्ण ने प्रेम के क्षेत्र की में पहल की और उन्होंने कहा, वो पूछते हैं श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहां रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। राधा बोलती हैं, काहे को हम ब्रज तनावत, खेलत रहत आपनी पौरी, और सुनत रहत श्रवणंदन टोडा, करत रहत माखन दध चोरी। इसी में उनका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरो कहा चोर हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी।
ये उनका जो भाग यानी होली का जो वर्णन है वो अद्भुत है। और फिर यह प्रचलित उनका जो परिचय है, दिन प्रतिदिन के स्नेह मिलन के अगाढ़ प्रेम में बदलता गया, गाय दुहाने में खेलने में सर्वत्र दोनों एक रस होने लगे। दहनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दुहनी पहुंचावत एक धार जह प्यारी ठाडी। वाह क्या शानदार चित्रण किया है, गजब, ये श्रृंगार निरूपण है। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दुहनी पहुंचावत एक धार जह प्यारी ठाडी। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब राधा और गोपियां विरह में डूब जाती हैं। कृष्ण के वियोग में गायें पछाड़े खा रही हैं, यमुना ने बहना बंद कर दिया। ऐसे उन्होंने अपनी रचनाओं को रचित किया, ऐसे हमारे महाकवि सूरदास थे।